टेलीविजन पर जल्दी ही हमें कई नए शोज देखने को मिलेंगे और कई टीवी सेलिब्रिटीज हैं जो अपना कमबैक कई महीनों के बाद करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है कहां हम कहां तुम फेम एक्टर करण वी ग्रोवर का, जो नजर आए थे उडारिया में, लेकिन उस शो में उनका कैरेक्टर धीरे धीरे नेगेटिव कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी करण की परफॉर्मेंस सभी ने नोटिस की और फैंस चाहते थे कि वो एक लीड रोल के तौर पर नजर आए, तो उनकी ख्वाहिश जल्द पूरी होगी क्योंकि करण दिखने वाले हैं बहुत प्यार करते हैं में साइली सलुंके के साथ, और ये शो स्टार भारत पर आने वाला है। और करण का कैरेक्टर इसमें रितेश का होगा जो कि एक सुपरस्टार है। नेक्स्ट जो टीवी पर वापसी कर रहे हैं कई सालों के बाद वो है शोएब इब्राहिम। शोएब इब्राहिम ने अपने आने वाले शो अजूनी की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। अजूनी का मतलब होता है इनफाइनाइट और इसकी शूटिंग शोएब को चंडीगढ़ में करते देखा जा सकता है। उन्होंने अपने व्लॉग्स में भी ये चीज़ मेंशन की है। उनका फर्स्ट शेड्यूल चंडीगढ़ में खत्म हो चुका है। फैंस शोएब को इस शो में देखने के लिए एक्साइटेड है। ये भी स्टार भारत का ही शो होगा। नेक्स्ट जो टीवी पर लौट रहे हैं वो है एक्टर इकबाल खान। इकबाल खान भी स्टार भारत के नए शो ना उम्रा की सीमा हो के साथ लौट रहे हैं और इसमें दिखाया जाएगा प्यार को लेकर एक अलग ही पर्सपेक्टिव, जिसमें वो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अमर उपाध्याय भी लौट रहे हैं टीवी पर एक बार फिर से अपने शो जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारो ऑन दंगल। मदिराक्षी मुंडल इस शो में भी नजर आने वाली हैं। एक्टर्स आमिर दलवी, अक्षय डोगरा जैसे कई कैरेक्टर्स इसमें दिखेंगे। कास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। राजवीर सिंह, जिनको हमने देखा था टीवी सीरियल कुर्बान हुआ में और उनके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, वो भी अपना नया शो लेकर आ रहे हैं स्टार प्लस पर। शो की ज़्यादा डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं हुई है। किस शो को लेकर आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।